हेलो दोस्तों, ये देखिए ये गाड़ी है, ह्युंडई की सेंट्रो 2002 मॉडल है। और गाड़ी की बात करें तो ये करीब करीब 4 या 5 महीने से खड़ी हुई है। टायर की हालत देख के आप जान सकते हैं कि पूरी हवा निकल गई, जैक के दम पे गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। एक्चुअली कोई चलाता नहीं गाड़ी को, पीछे वाले टायर भी देखिए कि बिल्कुल हवा निकल गई। और इसको देखेंगे, बस ये साफ़ इसलिए लग रही है आपको क्योंकि इसको धुलते रहते हैं, ऊपर से पानी डाल दिया जाता है घर में तो ये साफ़ हो जाती है। अब देखना है कि ये एक क्रैंक में स्टार्ट होती है कि नहीं होती, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, गाड़ी एक सेल्फ में ही बिल्कुल स्टार्ट हो गई। तो गाड़ी का इंजन वाइज, मतलब ह्युंडई का इंजन आप समझ सकते हैं क्या होता है। ये माला 4 महीने पहले डाली थी आपकी, वैसी की वैसे है। और इतने दिन खड़ी गाड़ी में रेस नहीं दी जाती, तो मैं रेस नहीं दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसका मीटर, गाड़ी कुछ 1,13,512 किलोमीटर चल गई है 20 साल में। 2002 मॉडल है। और गाड़ी की बात करें तो ये स्टीरियो लगा है, आफ्टर मार्केट, ये सब चलता है। और ये गियर, गाड़ी में साउंड हालांकि आ रही है लेकिन इतनी खड़ी गाड़ी है तो आप ये क्या ही एक्सपेक्ट करोगे इस गाड़ी से। तो चलिए देखते हैं, जो हवा निकल गई वो हवा डालते हैं, फिर आपको राउंड पे ले चलते हैं कि क्या है क्या नहीं। दोस्तों टायरों में तो हवा हमने भर दी है, ये देखिए, मतलब भर की। अब तो बाकी तो पेट्रोल पंप में भरवा लेंगे जाके, और अंदर वालों की नहीं निकली। देखिए सेंटो जिप प्लस 2002 मॉडल, इसको हम चला के देखेंगे क्या है क्या नहीं। चलो नीचे उतार के मैं मिलता हूँ आपसे। तो गाड़ी स्टार्ट तो हो गई, मैं आपको इंजन के साउंड दिखाता हूँ। दो के हिसाब से तो शांत है थोड़ा, गाड़ी सर्विसिंग में भी है। और बैटरी की बात करें, बैटरी भी चार्ज है, कूलेंट भी है गाड़ी में। थोड़ा चल के देखते हैं, तभी गाड़ी में दिक्कत पता चलेगी। तो चला चला के देखते हैं चल के। गाड़ी तो नीचे उतार ली, देखी है पूरा गलियों में पानी भरा हुआ है। ये यूपी है तो काइंड ऑफ ऑफ रोडिंग होगी। क्या बोल रहे हो? देखो बदतमीजी, देखो इनकी, इनको वायरल करो दोस्तों। और चलो हम चलते हैं। गाड़ी उड़ने को मांग रही है जिस हिसाब से खड़ी थी, लेकिन अभी उड़ाना बेकार है। मतलब सेंट्रो अपने रिलायबिलिटी प्लस कम मेंटेनेंस के लिए जानी जाती थी अपने टाइम पे। 2002 मॉडल होने के बाद भी इतनी अच्छे तरीके से गाड़ी चल रही है, आप सोच नहीं सकते। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, गाड़ी बस भागने को तैयार है। तो मैं 2002 और 1000 सीसी का इसमें इंजन आता था, जो कि अच्छी खासी आपको पावर निकाल के देता था। बस ये है, माइलेज के मामले में ये गाड़ी बिल्कुल बेकार है। माइलेज मतलब आपको 15 से ज़्यादा तो देगी नहीं, 15 भी देगी तो वो हाईवे पर ही देगी। ये हमारे यहाँ की गलियाँ, काइंड ऑफ ऑफ रोडिंग हो रही है और बिल्कुल हाईवे तो है नहीं। बस आपको दिखाने के लिए कि 2002 मॉडल की गाड़ी भी अगर मेंटेन हो तो कितनी अच्छी हो सकती है। लोग बस बोलते हैं, या सरकार जो है बोल रही है 10 साल 15 साल। भाई क्यों, बंदा पैसा लगा रहा है, बंदे की पहली, सपोज करो ये हमारी पहली गाड़ी है, ऐसा नहीं कि हमारे पास और गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं, ये पहली गाड़ी है। तो बहुत बार होता है नहीं बेचनी, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी है कि जबरदस्ती बेचनी है। क्यों बेचे भाई, या क्यों गाड़ी को स्क्रैप में दें,
तो आपको जैसा समझ में आए एक बार कमेंट में बताइएगा कि ये गवर्नमेंट की स्कीम सही है या गलत। ठीक है, हमारे यूपी में तो चल जाता है, लेकिन और अगर अदर स्टेट जैसे दिल्ली से, मैं दिल्ली रहता हूँ फिलहाल, तो तभी गाड़ी खड़ी रहती है, मैं होता हूँ तो खड़ी नहीं रहती, चला लेता हूँ। खैर, ये कंपनी फिटेड एलपीजी है, तो आप एक सिलेंडर अगर डालोगे तो एक सिलेंडर में ये करीब करीब आपकी 250 किलोमीटर चलती है, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल है। सीएनजी से तो महंगा पड़ता है, लेकिन ये पावर वाइज बात करें तो सीएनजी की बाप है। तो आप सीएनजी को एलपीजी से कंपेयर मत करें। अब तो खैर बंद हो गया, इतना हाइक हो गया प्राइस का। पहले 600 रुपए का सिलेंडर आता था, या कंपनी से जो पड़ता था, मतलब किट भी है, पड़ी है सिलेंडर वो डालने वाली गैस। तो ये जो 250 किलोमीटर की आपको रीडिंग दिखाता हूँ, एक सेकंड देखिए, 250 किलोमीटर की जो रीडिंग है वो उसी टाइम की है, मतलब जो मैंने सीएनजी एलपीजी डाली थी। तो चलो मैं आपसे मिलता हूँ बाकी बाद में। मैं हिंदुस्तान भारत पेट्रोल के हवा चेक कराने आए हैं गाड़ियों की, उसके बाद एक बार आपको खींच के दिखाते हैं कि गाड़ी क्या कमाल करती है, और फिर चलेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। हम निकल गए हाईवे पर, और आपको दिखाऊँ तो ये देखिए नॉर्मल हाईवे, पिकअप की बात करें तो ये दूसरा गियर, गाड़ी 60 की स्पीड चढ़ते हुए करीब करीब। आपको दिखाने के लिए दूसरे गियर से अभी हम ऊपर नहीं चढ़े, लेकिन गाड़ी की स्पीड आग की तरीके बढ़ती है। तो आप ये देखो, हमारे यहाँ के मामा नहीं बोलते, मतलब ये होते पुलिस वाले हैं, लेकिन हम इनको मामा बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। फिर गाड़ी मतलब ये है कि इतनी पुरानी होने के बाद भी गोली की तरीके भागती है। मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा भगाने के लिए, लेकिन हाँ ये है कि 140 से 150 बिल्कुल हवा में चढ़ जाती है। फिर और तो मैं इस वीडियो के साथ यही रिव्यू करता हूँ। अगर आप यहाँ तक आ गए, या मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, या थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में बताना आपकी प्यारी गाड़ी कौन सी है, मतलब आपके पास सबसे पुरानी गाड़ी या सबसे पहले वाली गाड़ी कौन सी है। फिर ये देखिए दोस्तों, इतने दिन खड़े होने के बाद में गाड़ी में हालांकि कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती है, कुछ दिक्कत नहीं, टायर में केवल हवा भरी, पेट्रोल पहले से ही है, वो भी ई में है, जाके अभी फिर खड़ी कर देनी है। तो बिल्कुल उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया गाड़ी चली, और हो सके तो आप लोग एक बार Hyundai Sentro को ट्राई ज़रूर करिएगा। नई वाली तो उतनी खास नहीं है, लेकिन पुरानी वाली जो Zip Plus आती थी ना, उसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इसीलिए फेमस थी। एक बार आप Hyundai Sentro का नाम सर्च करना। और ठीक है दोस्तों, राम राम। चैनल का मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, नया चैनल है, मैं इससे भी अच्छी अच्छी रिव्यू लाऊंगा। मेरी गाड़ी थी तो इसमें क्या ओनरशिप रिव्यू, मैं बस अपनी राय दे रहा था। बस ये है कि गाड़ी ने आज तक कहीं धोखा नहीं दिया, बहुत गाड़ियाँ होती हैं कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है गाड़ी हमेशा ने। तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।